जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का कहीं न कहीं आपकी कुंडली में होने वाले ग्रहों की स्थिति से एक जुड़ाव जरूर होता है। अब चाहे वो अच्छी घटनाएं हो या फिर बुरी, अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे तो आप जीवन में क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, इसका जुड़ाव भी आपकी कुंडली से जरूर होता है। ऐसे में कुंडली में दूसरा भाव मुख का होता है, जिसका मतलब है मुंह से जुड़े सभी काम, यानी कि आप क्या अच्छा खा रहे हैं, मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां, आपकी वाणी और मुंह से जुड़ी सभी चीजें। और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी अच्छी आदतें होंगी, आप अच्छा बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर कुछ क्रूर ग्रह आपके उस भाव में बैठ रहे हैं तो आपको नशे जैसी लत का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में किसी को नशे की लत है तो समझ जाए उसकी कुंडली में भी इस भाव में यह ग्रह बैठा हुआ है। ऐसे में ज्योतिष आचार्य राधा मोहन तिवारी से हम जानेंगे कि कौन सा वो ग्रह है और उसका क्या तोड़ है। जय श्री राम सभी को। जीवन में जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम सबसे पहले कुंडली की तरफ जरूर देखते हैं। कुंडली हमारे भूतकाल को तो बताती ही है, वर्तमान के साथ भविष्य को भी बताती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में बेहद मुश्किल होता है कि जिसे हम जानते हैं, जिससे हमारी पहचान होती है, वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, क्या वो व्यक्ति नशे करता है, वो सच कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, इसका पता हमें नहीं लग पाता है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म की इस विधा को देखें, हिंदू धर्म की इस विधा को देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुंडली में जो भाव होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वे भी इस बात को बता सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति नशा का आदि है, क्या कोई व्यक्ति नशे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में वो कौन सा ग्रह है और कौन सा भाव है जहां से व्यक्ति की इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या वो नशे की हालत में रहता है, क्या वो नशे में लिप्त रहता है। आपको बता दें कि कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह रहते हैं। इन 12 भाव और 9 ग्रह से संपूर्ण जीवन का चित्रण देखा जा सकता है, साथ ही भूतकाल से लेकर भविष्यकाल तक का यहाँ पर वर्णन और भविष्य बताया जा सकता है। कुंडली में जो दूसरा भाव होता है, इस भाव को हम धन का भाव भी मानते हैं, इस भाव को हम वाणी का भाव भी मानते हैं और इस भाव को हम मुख का भाव भी मानते हैं। इस भाव में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं, शुभ ग्रह विराजित होते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो जातक को, व्यक्ति को काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। उसकी वाणी ओज होती है, उसके पास धन आता है, उसके उसे मुख संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी कुंडली के इसी दूसरे भाव में पापा ग्रह बैठ जाते हैं, विशेष तौर पर राहु, तो राहु की उपस्थिति दूसरे भाव में जातक को नशे की ओर बढ़ाने का काम करती है। अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठते हैं, क्योंकि राहु पापा ग्रह हैं, राहु का स्वभाव पापी है, राहु ऐसे कार्यों में जातक को ले जाते हैं, चाहे वो नशे में लिप्त होने जैसे कार्य हो, वाणी में कड़ुता आ जाती है, तो ऐसे तमाम लक्षण वाले जो भी काम है ये राहु महाराज करवाते हैं। तो जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति हो जाती है तो राहु जातक को कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये राहु के प्रभाव होते हैं। राहु जब भी द्वितीय भाव में बैठता है तो वो नशे की ओर ले जाता है। हालांकि फिर मैं वही कहूंगा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में, किसी भी तरह वो संबंध बना रहे हैं, तो ये चांसेस, संभावना कम हो जाती है कि जातक नशे की हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक फिर नशे की ओर नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है शुभ ग्रह की और राहु का पूरा प्रभाव दूसरे भाव में है, तो वो आपकी वाणी को कटु भी करेगा और आपको नशे की ओर भी ले जाएगा। तो आप भी अगर किसी की कुंडली में देखना चाहते हैं, अपने किसी संबंधी की, पार्टनर की या किसी और की कुंडली में, तो आप उसकी कुंडली में राहु की स्थिति देखिए, दूसरे भाव की स्थिति आप स्वयं भी देख सकते हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और यदि आपको डिटेल्स में जानना है तो आप किसी भी ज्योतिषी के पास जा सकते हैं, वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आप स्वयं भी इससे पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई पीड़ित है, दोस्त पीड़ित है और आप उसको इससे निजात दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। राहु दोष बुधो हन्ति, राहु का दोष हरने के लिए उसके मित्र बुध की सहायता लेना पड़ता है। कहा जाता है कि राहु के दोष बुध ही हरता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन
किसी भी गरीब को या किसी भी आप अपाहिज को हरा खाने का पदार्थ दान करें। अगर आप बुधवार को, प्रति बुधवार को आप ये नियम चालू कर देते हैं, चाहे आपको कोई अपाहिज मिले या कोई गरीब मिले, दोनों में से कोई भी मिले, आप उन्हें खाने के हरे पदार्थ दान करें। हरी दाल हो गई, हरी सब्जी हो गई और भांति भांति के हरे पदार्थ। जब आप इस प्रक्रिया को चालू करेंगे तो धीरे धीरे जातक नशे से दूर होता जाएगा और यह उपाय मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जातक को पूरी तरह से नशे से दूर कर देगा। जय श्री राम।